स्थानीय गोबरा नवापारा के त्रिवेणी संगम महानदी में फैली गंदगी के चलते लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए नगर के त्रिवेणी संगम श्रद्धा समिति द्वारा नदी की सफाई का बीड़ा उठाया गया है। समिति के सदस्यों द्वारा पिछले दो दिनों से नदी के नेहरू घाट में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सुबह 6 से 9 बजे तक समिति के सदस्य नदी की सफाई कर रहे हैं। इस दौरान नदी में फैले लगभग 2 ट्रैक्टर काई प्लास्टिक की अनुपयोगी बोरियों सहित अन्य गंदी सामग्रियों को बाहर निकाला गया है। समिति के सदस्य का कहना है कि नदी की सफाई पूरी होने तक उनका यह अभियान लगातार जारी रहेगा। माँ महानदी से ही हमारी पहचान है और हम सभी का रोजी रोटी इसी पर ही टिका है। ऐसे में माँ महानदी की सफाई से हमें ऐसा लग रहा है कि हम आज महानदी मैया की सफाई कर कुछ सेवा कर पा रहे हैं। समिति के सदस्यों के इस अभियान की नगरवासियों द्वारा सराहना की जा रही है। बता दें कि गोबरा नवापारे की अधिकांश आबादी निस्तारी के लिए महानदी पर ही निर्भर है। इसके अलावा प्रयागराज की तरह पवित्र त्रिवेणी संगम होने के कारण प्रदेश के विभिन्न कोनों से लोग अस्थि विसर्जन करने, तर्पण सहित अन्य कर्म कांडों के लिए यहां आते हैं। वर्तमान में नदी में फैली गंदगी के चलते स्थानीय लोगों को निस्तारी के दौरान गंदे पानी के कारण शरीर में खुजली और अन्य विकार हो रहे थे। इसके अलावा पिंडदान, तर्पण और अन्य कर्म कांडों के लिए आने वाले लोग भी नदी की दुर्दशा के चलते काफ़ी असहज महसूस कर रहे थे। इसे देखते हुए त्रिवेणी संगम श्रद्धा समिति द्वारा खुद ही नदी की सफाई का बीड़ा उठाया गया है। इस नेक कार्य में नगर के युवा पार्षद हेमंत साहनी सहित प्रदीप साहू, विवेक साहू, मानसिंह ध्रुव, संजू गुप्ता, अमृत ध्रुव, ललित साहनी, समारू साहनी, महेश साहू, मोहन साहनी, सूरज देवदास, राकेश साहनी, बलिराम, चंदू साहनी, संजय सेन और प्रदीप कश्यप सहित बड़ी संख्या में त्रिवेणी संगम श्रद्धा समिति के सदस्य लगे हुए थे। इस संबंध में जब हमने नगर पालिका अध्यक्ष धनराज मध्यानी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि नगर पालिका में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षक को लगातार आदेशित किया गया है कि महानदी की सफाई और स्वच्छता को लेकर निरंतर कार्य करें। समय समय पर दवाइयों का छिड़काव भी किया जाता है। मैं स्वयं नेहरू घाट जाकर स्थिति का जायजा लूंगा और जरूरत होगी तो पालिका के सभी सफाई कर्मचारी काम करके महानदी की सफाई करेंगे। डीएनएक्स टीवी के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। आप ये अब कहाँ से आए बताएंगे? हम लोग राजनांदगांव से आए हैं, छत्तीसगढ़ से। हाँ। और छत्तीसगढ़ की जो गंगोत्री है, हाँ, राजिम जी, वहाँ हम अपनी माता जी का अस्थि विसर्जन करने आए हैं। तो यहाँ की सुविधा में हमने देखा, जैसे ही हम अस्थि विसर्जित करते हैं वहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे लोग आके ना एकदम झपट जाते हैं और जो चीज़ हमें प्रवाहित करना है उसे खुद ही छीन ले जाते हैं। उसके बाद वहीं पे सुअर दिखता है चलते हुए, जिसका हमने वीडियो बनाया है। गंदगी बहुत गंदगी है, उस पर संबंधित विभाग को, नगर निगम को पूरा इसका मुआयना करना चाहिए। और यहाँ आने पर हमें महसूस हुआ कि बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है, सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है इसको संवारने का, लेकिन बहुत कुछ सुधारने की अभी और जरूरत है। जी शुक्रिया। आप कहाँ से? आप मैं राजनांदगांव से हूँ। हाँ, सुरेश कुमार मंगवानी, किशन चंद मंगवानी। जी शुक्रिया। मेरी माता जी का वैकुंठ धाम हो गया है जी। तो उनकी विसर्जित करने के लिए आए थे तो हमने यहाँ पे ये जो महसूस किए तो हम आपके माध्यम के द्वारा प्रशासन को सजग अवगत करा रहे हैं जी। पानी साफ है। अमृत जी बताएंगे कि नदी की जो है ना, आप लोग साफ सफाई कर रहे हैं तो इसके पीछे इसे इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली बताएंगे? ये महानदी सफाई अभियान का प्रेरणा हमको आज से 2 साल पहले से नयापारा राजिम के द्वारा जो दो पहले से जुड़े हैं वहाँ से हमको प्रेरणा मिली है। ये हमारी महानदी त्रिवेणी संगम नेहरू घाट का नज़ारा है जो आप सब देख रहे हैं। और यहाँ से कम 50-60 परिवार का रोजी रोटी चल रहा है। शासन प्रशासन से बोलते हुए तो हम परेशान हो गए, उन लोग इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिए। तब ये जिम्मेदारी नगर से जुड़े
मोहल्ले से लगे हुए हैं हम लोग, जो त्रिवेणी संगम नेहरू घाट का सफाई अभियान कल से वीडा उठाए हैं हम लोग यजमान समिति वाले सब भाई, समिति के जितने भी सदस्य हैं कल से प्रयास में लगे हैं कि महानदी सभी का है, वहाँ से हम लोग का जीवन यापन सभी का निस्तारी चल रहा है और उसका अभियान मैंने अपने सब सभी ने जो है महानदी की सफाई करने की ठानी है, सब महानदी की सफाई करने के लिए ठान ली हैं। उसमें हमारा सभी भाइयों का बहुत बढ़िया योगदान मिल रहा है जी। जो आप देख रहे हैं कितना दूर दूर तक कीचड़ है, गंदा माहौल है, और ये हमारा प्रेरणा है महानदी बचाओ सफाई अभियान, जिसके पश्चात हम अपने तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं जी। आपको शुभ नाम बताएंगे? अमृत कुमार ध्रुव जी। शुक्रिया। एक मिनट शांत रहो भाई, बोल। दूर दूर से यह यात्री परिणाम करावा रहते हैं, अगर मुझे लगातार शिकायत रही से कि यहाँ नदी में बहुत ज़्यादा गंदगी है, काई वाई है, नहाय में असुविधा होती रही से, यहाँ स्थानीय महिला पुरुष मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, सब डिस्टर्ब है। पिंडदान श्राद्ध समिति के जरूरतमंद है कि लगातार दो दिन से सफाई अभियान करे जाते हैं, इमें हमारे जनप्रतिनिधि पार्षद मन भी हमारा सहयोग करे हैं और हम चाहते हैं कि मलमला नगर पालिका उठा कर देखा मानसिक त्रिवेणी संगम श्राद्ध समिति द्वारा विगत दो दिन से सफाई अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें नदी के सफाई में पूरा समिति के सदस्य और जनप्रतिनिधि मन भी भिड़े हैं और विगत दो दिन से दो ट्रैक्टर मलबा निकाले हैं नदिया से, काई चुंगड़ी कपड़ा ये सब मिला के और एला नगर पालिका द्वारा एला डंपिंग करे थे। नाम का है? प्रतीक साहू जी। बोलिए। नमस्कार, मैं आई हूँ मुंगेरी जिला लोरमी से, पर नाम बहुत है राजीव मेला करके, नाम सुने भी हैं, इसलिए हम कुछ अपने दुख लेके यहाँ आए, मतलब बहन की उसका अस्थि विसर्जन करने के लिए भाई का, पर यहाँ असुविधा है, धूप है, गंदगी है, कोई भी यहाँ असुविधाजनक कुछ भी चीज़ नहीं है कि यहाँ कुछ बड़ा। नाम बड़ा है दर्शन छोटा है, राजीव हम नाम सुन क्या है, पर यहाँ दर्शन छोटा है, यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है, उसके लिए मैं तो खुश नहीं हूँ भाई, मेरे को बहुत दुख लगा यहाँ आके जी। जी, आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा शुभ नाम स्मिता। कहाँ से? लोरमी से जी। शुक्रिया। ये महानदी सफाई अभियान का प्रेरणा हमको आज से दो साल पहले से न्यायपारा राजीव के द्वारा जो दो पहले से जुड़े हैं वहाँ से हमको प्रेरणा मिली है। ये हमारी महानदी त्रिवेणी संगम नेहरू घाट का नज़ारा है जो आप सब देख रहे हैं, और यहाँ से कम 50-60 परिवार का रोजी रोटी चल रहा है। शासन प्रशासन से बोलते हुए तो हम परेशान हो गए, उन लोग इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिए, तब ये जिम्मेदारी नगर से जुड़े मोहल्ले से लगे हुए हैं हम लोग, जो त्रिवेणी संगम नेहरू घाट का सफाई अभियान कल से वीडा उठाए हैं हम लोग यजमान समिति वाले सब भाई, समिति के जितने भी सदस्य हैं कल से प्रयास में लगे हैं कि महानदी सभी का है, वहाँ से हम लोग का जीवन यापन सभी का निस्तारी चल रहा है और उसका अभियान मैंने अपने सब सभी ने जो है महानदी की सफाई करने की ठानी है, सब महानदी की सफाई करने के लिए ठान ली हैं। उसमें हमारा सभी भाइयों का बहुत बढ़िया योगदान मिल रहा है जी। जो आप देख रहे हैं कितना दूर दूर तक कीचड़ है, गंदा माहौल है, और ये हमारा प्रेरणा है महानदी बचाओ सफाई अभियान, जिसके पश्चात हम अपने तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं जी। आपको शुभ नाम बताएंगे? अमृत कुमार ध्रुव जी। शुक्रिया।